काफी अलग तरीके का ट्रेलर है, काफी मतलब हम देख रहे हैं हर एलिमेंट उसमें नजर आ रहा है। आप बताइए इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत मज़ा आया शूट करके, जब डायरेक्टर राइटर और प्रोड्यूसर घर आए थे नरेशन देने में तभी बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज़ यू नो ही वाज सो क्लियर अबाउट इट एंड ही व्हेन ही वाज नरेटिंग आई कुड एग्जैक्टली सी हाउ ही सीइंग द फिल्म। तो जब नरेशन दिया तभी मुझे लगा कि मैं ये फिल्म करूँगी, एंड ऑल्सो बिकॉज आई हैवन डन समथिंग लाइक दिस। एक तो ये जॉनर मैंने कभी टैप नहीं किया विच इज़ कॉमेडी, and I've never been pregnant in my real life either, so it was a fun experience. पहली बार मैं इस तरीके के किरदार में आपको देख रहा हूँ, जिस तरीके से आपने बोला कि मतलब ये जॉनर कभी ट्राई नहीं किया, तो क्या रिएक्शन था आपका जब आपको पहली बार कहानी नरेट की गई, कहानी के बारे में बताया गया? तो व्हाट वाज इट लाइक? आई सेड आई रियली लाइक्ड इट, आई एंजॉयड इट, आई एंजॉयड लिसनिंग टू द स्क्रिप्ट एंड आई थॉट दैट दिस गर्ल इज समवन हु आई एम बट समवन दैट आई हैव नेवर पोर्ट्रेड ऑन फिल्म्स। आपको कभी ऐसा कंफ्यूजन हुआ था? यस, बिकॉज व्हेन यू लिसन टू बदनाम गली इट फील्स लाइक क्या है ये, क्या हो सकता क्या है, इट्स बट दैट्स द फिल्म ऑल्सो, यू नो दे आर टॉकिंग अबाउट रियली इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, अबाउट सोसाइटी, अबाउट हाउ वी जज पीपल एंड वॉट एक्चुअली इज, दीज आर सीरियस इश्यूज दैट द मेकर्स आर डीलिंग विद, बट विथ लुकिंग एट दीज सीरियस इश्यूज इन अ फन वे। बट इन फ्यूचर अगर आपको इस तरीके की फिल्म करने का अगर मौका मिलता है तो क्या आप करना? मैंने ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी डन इट, नॉट दिस काइंड ऑफ लाइक जैसे बदनाम गली या समथिंग लाइक रेड लाइट एरियाज एंड इस पर फिल्म अगर बनती है तो बदनाम गली तो फनी फिल्म है ना? नो नो, शी इज टॉकिंग अबाउट द प्रोस्टिट्यूशंस। ओह लाइक सीरियस टॉपिक, व्हाई नॉट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। क्योंकि सिटी लाइट्स में भी जब मैंने किया था, दिस गर्ल कम्स फ्रॉम अ विलेज विद अ डॉटर एंड द हस्बैंड एंड देन शी इज फोर्स्ड इनटू बीइंग अ बार डांसर। इट डिपेंड्स ऑन द मेकर्स, द इट्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, या इट्स नॉट अबाउट क्या मैं प्रोस्टिट्यूट प्ले करना चाहूँगी या नहीं। ओके, इस फिल्म में मॉम का किरदार निभा रही है, कितना डिफिकल्ट था? प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट था, इट वाज डिफिकल्ट ऑब्वियसली बिकॉज आई डोंट नो anybody in my family also has gotten pregnant. The only woman I know is my mom. but main jabhi bhi poochti thi meri mom ko ya you know Dolly ji jo set pe thi, Dolly Alo Walia and other people who are mothers, they always have a smile on their face and they are talking about their pregnancy. So what I figured that it's a very happy phase in any woman's life. ओके, पता लगा इसी के साथ में जो हम ट्रेलर देखते हैं तो मतलब हमें कैरेक्टर में, मतलब जो आपके जो कैरेक्टर काफी मतलब फन लविंग हैप्पी एकदम जॉली किरदार है, मतलब एकदम डेली वाइज का दिखा रहे हैं, सो क्या क्या मतलब रेफरेंसेस लिए आपने उस किरदार को प्ले करने के लिए? या ऑनेस्टली यू नो ऑफ लेट द फिल्म्स, नॉट ऑफ लेट, इन द पास्ट 7 years द फिल्म्स दैट आवर इंडस्ट्री इज टर्निंग आउट इज अ लॉट ऑफ नॉर्थ इंडियन, तो एक तो वही फ्लेवर ऑटोमेटिकली होता है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स नॉर्थ इंडियंस है, एंड वंस यू गो टू अ प्लेस वेयर इट्स ओरिजिनली बेस्ड ऑन एंड यू आर स्टेइंग देयर एंड यू आर वर्किंग देयर, एक जो वाइब होता है ना वो चेंज हो जाता है, सो इट्स ईजियर आई फील। लाइक जैसे अगर मैं बॉम्बे में शूट कर रही हूँ और मैं धारावी में शूट कर रही हूँ, विदाउट नोइंग यू गेट दैट फ्लेवर। यस, हु इज हियर एंड who is very early? I am, yeah. Super early. It's a good habit, don't come before time always. Hi everyone. Okay, तो मैं तो जिस तरीके से मैं पता लगा से तुम की किरदार के बारे में पूछ लिया, आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। मेरा किरदार काफी किरदार लेस है इसमें, तो ये रानू नाम है रणदीप सिंह इस लड़के का, और पंजाब से आया है, और थोड़ा अजीब सा गर्म दिमाग का आदमी है, लड़ाई झगड़ा किसी से भी कर लेता है आराम से, तो अपनी बुआ के पास आया क्योंकि घर पे मम्मी पापा से कुछ लफड़ा वफड़ा हो गया उसका,
तो यहाँ पे आता है और देखता है कि यहाँ पे ये एक लड़की है जो मतलब बाहुबली टाइप की लड़की है, तो शी इज़ प्रेग्नेंट और लोग इसके बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं, बट शी इज़ समवन हु जस्ट यू नो जस्ट स्टैंड्स बाय पीपल, किसी के घर अगर कुछ गलत हो रहा है व्हाट शी बिलीव्स इन. तो मतलब ये दो उसमें है, इसका दिमाग डिवाइडेड है कि यार इसके बारे में बोला कुछ जाता है कि दिखती कुछ अजीब है. तो वहाँ से कैसे इन दोनों की दोस्ती डेवलप होती है, कैसे वो उसकी साइड लेता है और लोगों को बताता है कि नहीं ये गलत लड़की नहीं है जो कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और सरोगेसी के बारे में जब इसको भी पता चलता है. सो दैट्स हाउ द फ्रेंडशिप का जो एक बॉन्ड है वो वहाँ से बनता है और हाउ दे मूव फॉरवर्ड. यार मेरा पंजाबी कैरेक्टर था तो मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि मैंने पंजाबी कभी प्ले नहीं किया और मुझे पंजाबी नहीं आती है, ऑल्दो आई एम फ्रॉम दिल्ली बट पंजाबी की तरफ उतना था नहीं. तो मैंने इसका रेफरेंस लिया युवराज सिंह से, तो मैंने अपना कैरेक्टर जो है युवराज सिंह जैसे बोलता है ना, कैसा है भाई क्या कर रहा है इधर आ जा उधर चला जा, तो थोड़ा वैसा सा लिया क्योंकि आप ज़्यादा पंजाबी भी नहीं कर सकते, देन वो पैन इंडिया ऑडियंसिस को प्रॉब्लम होती है. और इस बार ज़्यादा टाइम भी नहीं था यार, इस बार बहुत कम टाइम था टू प्रिपेयर माई कैरेक्टर. So, few of the references, yeah. Okay, आप दोनों फिल्म करने से पहले एक दूसरे को जानते थे? हाँ जी जानते. Yes. So, नहीं था मतलब knowing थे तो. Was it comfortable? Yeah, I thought it was comfortable for me. I don't know what do you. Not for me, Patricia. Yeah, I made him really uncomfortable. No, yeah, it was all chilled out, yeah. मतलब like she said कि हम दोनों जानते थे पहले से एक दूसरे को, and that helps. कुछ ऐसा कैरेक्टर होता है तो. और ना कहानी में इन दोनों का कैरेक्टर है भी बड़ा सही, मतलब इट्स नॉट अ टिपिकल लव स्टोरी और एनीथिंग. तो मतलब दो लोग हैं जो साथ में उनकी एक बॉन्डिंग हो जाती है और कुछ नाम नहीं है. फ्रेंडशिप या नो हेट्रेड देन फ्रेंडशिप. हेट्रेड देन फ्रेंडशिप या ओके. इसी के साथ में राजकुमार का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने? नो क्वेश्चंस. नो नो नो. लेट्स टॉक अबाउट दिस. ओके, मदर्स डे पर आ रही है तो आप लोग दोनों मदर्स डे पर क्या स्पेशल प्लान्स करते हैं अपने मॉम के लिए? मैं तो यार हमेशा भूल जाता हूँ, तो मेरी बहन मुझे फ़ोन करके बताती है कि मदर्स डे है, मम्मी को फ़ोन करके विश कर दे. तो मैं तो कुछ ज़्यादा प्लान कर नहीं पाता, बस उनको कॉल करता हूँ, आई से नाइस थिंग्स, थैंक यू. बाकी मदर्स डे वगैरह तो मतलब आई मीन दे आर मोर लाइक आर्चीज और हॉलमार्क डे हैं ये इनका कोई मतलब नहीं है. दे आर जस्ट वेरी न्यू टू आवर कंट्री एंड आई डोंट नो इफ फॉर अस मे बी अ फेस्टिवल मैटर्स मोर देन अ मदर्स डे और फादर्स डे और डॉटर्स डे. But I just tell my mom, I love you, it's Mother's Day. And she's like, oh, okay, thank you. Yeah. So it's not that ke mothers bhi wait kar rahi hai ke ja, achha, aaj Mother's Day. Toh meri mummy ko bhi jab call jata hai, toh unko pata chalta hai Mother's Day. It's not a very big thing, but it's a nice day to just to show your appreciation towards your parents. Ke, thank you so much for, you know, everything. And the other days, just be really mean to them. Yes. Lekin agar aap dono se pucha jaye ki koi ek best gift jo aap apne mom ko de sake, toh wo kya hoga? मदरहुड. आई गेव हर मदरहुड. जब मैं इस दुनिया में आया तो वो एक माँ बनी. आपके कनेक्टेड? आई डोंट हैव गिवन माय सेल्फ, आई एम योर स्पेशल बीइंग स्टिंग. ओके, सो इसके अलावा आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि क्या है आपने पत्र लेखा को कैसे टॉर्चर किया, कैसे उठा उठा के यार वो टॉर्चर जो है वो मेरा जो एक्टिंग प्रोसेस है उसका पार्ट है, वो बहुत ज़रूरी है, इट्स फॉर हर गुड ओनली. उसको बाद में जब वो फिल्म देखेगी पता चलेगा. पता चलेगा ना, मुझे वैसे ही मैसेजेस किए कि देविंदु थैंक यू सो मच, उस प्रोसेस की वजह से बहुत अच्छा रहा. तो टॉर्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको कभी ऐसा लगा यू नो सेट पे कि यार बस करो तुम टॉर्चर कर रहे हो? आई जस्ट क्राइड, दैट्स ऑल आई डिड. या फुल शूट व्हिच आई थॉट वाज अ वेरी नाइस थिंग. Without saying anything to anyone, just grinding in one corner. It's such a personal feeling. I love her for that. Do you remember the face I made? हाँ वो हमारा. और सरोगेसी के साथ में जिस तरीके से ट्रेलर में जो हमने देखा कि मतलब सरोगेसी के बारे में बताया गया है, एक मतलब आप एक माँ बनने वाली उस किरदार के, तो लगता है कि मतलब लोगों को देखने के बाद में एक कोई मैसेज मिलेगा या कुछ उसके बारे में कुछ मैसेज मिलेगा? एज इन लाइक एज इन के मतलब कि लोग अभी काफी लोग जो है वो सरोगेसी के बारे में नहीं जानते हैं या कुछ नहीं जानते? यस एक्चुअली मैं भी नहीं जानती थी दो साल पहले तक, बट देन आई सॉ पीपल हैविंग किड्स एंड दे वर्नट प्रेग्नेंट. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग एंड इट्स their own choice, you know. Some people do it because, you know, their relatives are willing to do it. And some people do it by monetary exchange, which I think is fine because you're just giving life and making other people happy. Okay, Jessica, have you...
about surrogacy, yeah, it's a very personal thing. You know, people do it out of, some people are medically incapable of having kids. Some people do it out of choice. But like she said, it's a good thing. If someone is happy, can you be the medium of that? It's a nice thing. It's a very sensitive thing still in our country. And I think it's good case film ke madhyam se na people will get to know about it ke ye kya hai. Although hamare film mein surrogacy ek backdrop ki tarah hai, film uske bare mein nahi hai. Film jo hai wo inki friendship ke bare mein hai jisme surrogacy involved hai. To humne surrogacy samjhane pe ya wahan tak kaise pahunchta hai uske process ke bare mein itna nahi hai, but we start from that she is a surrogate mother. We don't start from how she becomes a surrogate mother. Yeah. And also I think it's like I was telling them, also it's like a society's way of judging people. Yeah. You know, what we see is what it is. We don't try to see beyond a point. So I think the film also takes a way to it. ओके देवेंद्र जी के साथ में जो हमने मिर्जापुर में देखा कि मतलब एकदम यूर प्लेइंग एक टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर कि एक काफ़ी यूपी का कैरेक्टर एकदम वैसा टिपिकल एकदम और इस ये एकदम एकदम दिल्ली कैरेक्टर एकदम पंजाबी कैरेक्टर इस तरीके तो कितना मुश्किल था उस कैरेक्टर से निकल के इस कैरेक्टर में जाना. यार निकलने का कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था क्योंकि अभी मिर्ज़ापुर का शूट स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैं आई वॉज इन अ प्रीटी न्यूट्रल स्पेस ओनली ऐसा कोई टेंशन नहीं था. एंड आई थिंक एवरी कैरेक्टर इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर. यार वो मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ती है आपको, वो लाइंस और वो कैरेक्टर बैकग्राउंड वो सब कुछ, आप कॉन्फ्लिक्ट बचपन का चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स वो सब कुछ बनाना ही होता है. सो नथिंग अनयूजुअल लाइक अ या रेगुलर थिंग. हाँ जी पत्रलेखा जैसे आपने कहा यू नो कि ये इस कैरेक्टर में आप बहुत ही फन लविंग पर्सन हैं तो आप कितना रिलेट कर पाई पत्रलेखा से इस कैरेक्टर को. Yes. I think I'm a fun-loving person, and after doing this film, I think I'd like to do more films which are in the fun space because also the crew is happier. I don't know how is it shooting for Mirzapur when there was so much bloodshed everywhere. We were just laughing even after every take. मार दिया, हाँ हाँ मर गया, ये देखो इसको काम करते हैं ऐसे गोली मिलती है काम करें ऐसे गोली मारते हैं. I don't believe a word he says. No seriously, but yeah, I mean when you do serious work, no, you don't have to be serious all the time. No, but I think that's my thing that the crew and there's a difference. You know, it's more gloom. When you're doing like a serious, more see, there are scenes like that, film. Definitely. Yeah. There are drama-heavy scenes where you want to be quiet and in a one corner. And no, everything. Even the crew's energy. I think they're always little pretty neutral. Yeah, it's, for them, it's like any other thing going on. मतलब Okay, अब जैसे मैं बहुत कलाकार से मिला हूँ, बहुत एक्टर से मिला हूँ, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सब बताया कि अगर हम एक किरदार करते हैं तो कई बार हम उस किरदार को इतना पकड़ लेते हैं कि मतलब जो आम जिंदगी जो होती है, नॉर्मल जिंदगी जो होती है, तो हम डेफिनेटली मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हो बाहर आने में टाइम लगता है. मुझे भी मुन्ना से बाहर आने में टाइम लगा था क्योंकि जाहिर सी बात है एवरी डे, या इट्स एवरी डे इफ यू आर डूइंग समथिंग, आप मतलब एक तरीके का टेम्परमेंट है ऑफ अ कैरेक्टर, यू नो इज हॉट हेडेड एंड एवरी थिंग. I started seeing some things in my personality. मुझे रोड पे ऑटो वगैरह वालों पे ज़्यादा गुस्सा आता तो शीशा खोल के बोल रहा हूँ ठीक से चला क्या कर रहा है यहाँ से. एंड देन आई रियलाइज कि यार ये तो सब पहले भी ऐसा था, वाई एम आई रिएक्टिंग दिस वे. एंड देन आई रियलाइज कि अच्छा ये कैरेक्टर को थोड़ा सा अभी नीचे करो, ये थोड़ा ज़्यादा हावी हो सकता है पर्सनैलिटी पर. तो या इट हैपन्स यार, बट यू हैव टू कॉन्शियसली कम आउट ऑफ इट. यू डोंट हैव टू रोमेंटिसाइज द फैक्ट एवर कि मैं तो उसी में हूँ और मैं उसमें चला गया. डोंट, आई मीन इट विल जस्ट स्कार योर पर्सनैलिटी वेरी डीपली. ओके जाते जाते एक बेस्ट मेमोरी अपने सेट पर की शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ. आई लव्ड वेयरिंग माय प्रोस्थेटिक टमी. व्हाट अबाउट राजमा चावल मेमोरी? या लॉट्स ऑफ राजमा चावल, इट इज अमेजिंग. ओके लास्टली कब रिलीज हो रही है उसके बारे में? ये अभी 10th, आज क्या डेट है? Seventh. In 3 days. I mean, इतना ताज़ा कुछ मिलेगा, तो it's so fresh. Okay, so also Mother's Day भी है, तो एक wish हो जाए Mother's Day. Happy Mother's Day to all the beautiful mothers out there. I hope your children love you as much as you love them. Happy Mother's Day to all. Thank you so much. Thank you.